दोस्तों उज्ज्वल टिप्स एंड ट्रिक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो में वल्नी एक्सटेंशन बोर्ड रिपेयर के बारे में जानेंगे, और दोस्तों एक नहीं कई तरह का एक्सटेंशन बोर्ड के बारे में जानेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं, और भी इससे हट के जो 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 आता है प्रॉब्लम, ठीक है, और जो जो एक्सटेंशन बोर्ड भी आता है जो जो मॉडल का, उस सारे के बारे में बताएंगे, वो भी दोस्तों डायग्राम सहित, ठीक है ठीक है, और बहुत सारा एक्स्ट्रा भी इसके बारे में बताएंगे जो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है, ठीक है, कहाँ से आता है, ज़्यादा क्या ख़राब होता है, अगर ख़राब हो जाए तो उसको शॉर्टकट क्या करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सारा वीडियो सारा प्रॉब्लम जो है इस वीडियो में आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा दोस्तों। तो अगर आप ये वीडियो अगर अंत तक देख लेते हैं दोस्तों, तो ये मेरा गारंटी है कि आप कोई भी एक्सटेंशन बोर्ड को खुद से रिपेयर कर सकते हैं, वो भी आसान तरीका से दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, अन्यथा मैं क्या बोलूँ। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने काम की ओर दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये सारा ये जो एक्सटेंशन बोर्ड है दोस्तों, इसको इसमें क्या क्या बीमारी आता है, कैसे ठीक करेंगे, तो मेरे पास जो है दोस्तों कुछ डायग्राम, मतलब एक्सटेंशन बोर्ड बनाया है दोस्तों, जैसे आपका ये वाला है दोस्तों, इसका ये वाला एक्सटेंशन बोर्ड बनाया है, मतलब डायग्राम बनाया है, उसके बाद इसका जो है दोस्तों ये बनाया है मैंने, इसका ये बनाया है, ठीक है, और इसका जो दोस्तों ये बनाया है, ठीक है, और इसका नहीं बनाया हूँ दोस्तों, ठीक है, इसको समझा देते हैं अच्छा से आपको, मतलब इतना समझा देते ताकि आप कोई भी एक्सटेंशन बोर्ड को खुद से रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए होता क्या है दोस्तों, पहले हम डायग्राम के अनुसार आपको बताते हैं दोस्तों, उसके बाद जो है इसमें जो है वीडियो में प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे। तो दोस्तों कोई भी एक्सटेंशन बोर्ड में, ठीक है, दो तार तो आता है एसी का, ठीक है, उसी से ना आप जो है जाता है, तो एक्सटेंशन बोर्ड में बहुत सारा प्लग लगा लेते हैं, चार्जर का, पंखा का, एनी वे बहुत सारा चीज़। तो इसका वायरिंग क्या होता है तो आपको बोर्ड के अनुसार बताते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए इसमें जो है आप इसमें सबसे पहला प्लग तो दो को इसमें, एक इसमें डाल सकते हैं, उसके बाद एक इसमें डाल सकते हैं, एक इसमें डाल सकते हैं, ये दोस्तों ये तो फुल रहता है, ये आपका स्विच रहा, ठीक है, ये इंडिकेटर है दोस्तों। इसमें है क्या दोस्तों, कोई भी, ठीक है, एक्सटेंशन बोर्ड में दो तार निकल के आता है दोस्तों, ठीक है। तो दो तार तो देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका जो है दो तार आया, ठीक, ये ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये आपका दो तार आया और जो है यहाँ से दो तार निकला दोस्तों, तो एक तो डायरेक्ट स्विच में आ जाता है दोस्तों, ठीक, ये आपका डायरेक्ट स्विच में आया, ये 220 वोल्ट एसी है, ये करेगा इनपुट, ठीक, और ये एक जो है दोस्तों, देखिए ये स्विच में जो आया दोस्तों, तो स्विच को जब ऑन करेंगे तो ये पॉइंट इसमें सटेगा, ये पॉइंट इसमें टच होगा, ठीक, अगर ऑफ करेंगे तो टच नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा, ऑफ बताएगा। और दूसरा पॉइंट दोस्तों, एक ये पॉइंट आपका आ जाएगा, एक यहाँ पे ये डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक, ये आ गया दोस्तों। अब यहाँ से स्विचिंग हो गया दोस्तों, अब यहाँ स्विचिंग होकर यहाँ पे चले जाएगा, ठीक है, इतना जान लीजिए। कोई भी सॉकेट जो है ना दोस्तों, एक ठंडा एक गर्म में काम करता है, ठीक, फेज और न्यूट्रल, ठंडा गर्म का मतलब फेज और न्यूट्रल होता है दोस्तों। तो इसका जो माना ये फेज है, कोई भी मान सकते हैं आप, ठीक है, ये अगर फेज है, ठीक है, तो ये दोनों में तो आ गया दोस्तों, ठंडा गर्म तो मिल गया। अब इसमें कोई प्लग लगाएगा तो इसमें लाइन आ जाएगा, बॉल जल जाएगा दोस्तों, मतलब चार्जर लगाया कुछ भी लगाया वो जलेगा। ये आपका बॉल रहा दोस्तों, ठीक है, बॉल में जो है दूध कनेक्शन दो तार आता है, ठीक, एक तो तार तो रहता है दोस्तों जो, मतलब एक तार डायरेक्ट आ जाता है आपका, ठीक है, आपका ये तार जो दोस्तों, ये आपका क्रॉसिंग का चिन्ह है दोस्तों, ठीक, ये क्रॉस का चिन्ह है दोस्तों, और ये एक तार जो दोस्तों, मतलब आपका रेजिस्टेंस लग के आता है, क्योंकि वोल्टेज डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी तो बर्दाश्त नहीं करेगा, ये तो उड़ जाएगा, तो इसके लिए जो है एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है, रेजिस्टेंस ये हो गया दोस्तों, ये 100K का रेजिस्टेंस आता है, 100K में जो है कलर कौन कौन सा आता है दोस्तों ये बता देता हूँ, रेजिस्टेंस तो ऐसा आता है, ठीक है, इसका सिंबल ऐसे आता है, ये होता है सिंबल, ठीक, और ये 100K का रेजिस्टेंस आता है आपका, इसका वैल्यू जो है आपका आ जाता है ब्राउन हो गया, उसके बाद ब्लैक, फिर येलो, वो कलर कोड जो है दोस्तों देखने को मिलेगा, अभी खोलेंगे तो आपको बता देंगे कि कौन कौन सा आता है, ठीक है। अब इसमें देखिए दोस्तों, ये दोनों तो आ गया, अब इसको जो आप यहाँ यहाँ पर डायरेक्ट डाल सकते हैं, ठीक, अब तो देखिए दोस्तों ये दोनों तो लाइन आ गया, अब इसको डायरेक्ट आप जो है यहाँ से, इसको भी यहाँ से यहाँ इसको भी डाल सकते हैं, ठीक है, अरे इसको भी यहाँ डाल सकते हैं, दिक्कत कोई नहीं है। अब यहाँ से जो आप यहाँ पर चढ़ा दीजिए, उसके बाद यहाँ से एक कनेक्शन इसमें आ गया, तो इसमें भी तो दोस्तों ये वाला तार और ये वाला तार, तो दोनों कनेक्शन जुड़ गया, इसका कनेक्शन यहाँ जुड़ गया, ऐसा कनेक्शन यहाँ जुड़ गया। अब इसमें आप क्या करेंगे दोस्तों, अब ये दोनों पॉइंट खाली लग गया, इसका कनेक्शन दोस्तों ये यहाँ आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, और इसका कनेक्शन दोस्तों इतना जान लीजिए, ये आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक, बस यही कनेक्शन दोस्तों। आप ये वाला कनेक्शन यहाँ भी दे सकते हैं, इसका यहाँ भी दे सकते हैं, दिक्कत आपका नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो कनेक्शन जो है अब एक्सटेंशन बोर्ड में जो है ज़्यादा बीमारी आता नहीं है दोस्तों, आपका तार का प्रॉब्लम आता है, ठीक है, यानी तो स्विच खराब होता है, और रियर केस में जो है आपका वायरिंग का तार वगैरह टूटा हुआ रहता है, तो आप इसी के अनुसार आप जोड़ सकते हैं, और विशेष कुछ है नहीं, ठीक। अब देखिए दोस्तों, अब जैसे ये भी ये एक्सटेंशन बोर्ड है ना, ये भी एक्सटेंशन बोर्ड में जो है आप क्या है, जैसे इतना ये सॉकेट है, देखिए ये वाला सॉकेट ये हो गया, ये वाला सॉकेट जो है आपका ये हो गया, फिर ये वाला सॉकेट ये हो गया, ये वाला सॉकेट ये हो गया, ये एक स्विच हो गया, ठीक। तो स्विच में क्या करना है दोस्तों, दो तार आया, तो दो तार तो एलईडी का कनेक्शन दोस्तों, एक तार तो दोस्तों आपका ये आ गया,
ठीक। और उसके बाद ये शॉर्ट होगा स्विच दोस्तों, ऑन करेगा शॉर्ट, ये एक यहाँ आ गया। आप डायरेक्ट इसको जो है दोस्तों आप यहाँ कर सकते हैं, ठीक। आप ये तो हो गया कनेक्शन दोस्तों। अब एलईडी बल्ब का कनेक्शन कहाँ आएगा दोस्तों, तो ये एक एलईडी बल्ब का जब स्विच ऑन करेगा तो एलईडी बल्ब भी जलेगा दोस्तों, यहाँ आ गया। उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस आ गया 100 के, आप जानते ही हैं, ये आपका ये यहाँ आ गया, ठीक। अब ये दोनों में रहा दोस्तों, तो ये दोनों का आराम से बस एक इसमें डाल दिए दोस्तों और एक ये इसमें डाल दिए, ठीक। अब ये वाला भी दोस्तों ये एक इसमें डाल दिए और ये एक इसमें डाल दिए, कुछ है नहीं, बस ये भी एक इसमें डाल दिए और एक जो है दोस्तों ये इसमें डाल दिए, ठीक है दोस्तों। इसका कनेक्शन भी हो गया, इसमें कुछ होता नहीं है दोस्तों, बस इस समय भी यही कंडीशन दोस्तों, ठीक है, विशेष चीज़ कुछ नहीं है। अब आते हैं दोस्तों प्रैक्टिकल में दोस्तों, तो कहाँ से क्या आता है, ठीक है दोस्तों। ये तो समझ गए होंगे और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, कर लीजिएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अधिकतर तो ये बोर्ड आता है आप लोगों के पास, मतलब देखा है मैंने, अधिकतर ये बोर्ड आता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है दोस्तों, देखिए इतना जान लीजिए, इतना आपको याद रखना है कि कोई भी दो सॉकेट में फेज न्यूट्रल आएगा तो ही आपका बोर्ड काम करेगा। तो दोस्तों अगर कोई बोर्ड आपका ख़राब होता है, कोई भी एक्सटेंशन बोर्ड ख़राब होता है, और ये सिंगल इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, सभी के लिए है, ठीक है, क्योंकि रिपेयर करने का जो सबका मतलब सॉल्यूशन एक ही होता है। तो दोस्तों सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, कि ये तार जो हमको चेक करना है, आप लाइट टेस्टर ले लीजिएगा, सस्ता में मिलता है, एक सोल्डिंग आयरन रख लीजिएगा, रखना भी चाहिए दोस्तों, छोटा मोटा काम तो खुद से रिपेयर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्यों मिस्त्री पास जाएंगे कुछ पैसा देंगे। तो दोस्तों देखिए, ये जो इसका तार है दोस्तों, तार है, तो तार में देखिए दोस्तों, तार जो दो तरह, ये एक इसमें गया है, एक स्विच में गया है, मैंने डायग्राम में भी बताया है। तो दोस्तों देखिए, एक तार जो है ये स्विच में आया है, एक तार यहाँ पे, देखिए यहाँ चेक कर रहे हैं, तो ये एक ये तार तो सही है, यहाँ एक तार ये वाला ये सही है, ठीक है, और एक तार इसमें लगाया मैंने, ये यहाँ भी सही है, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों तार जो आपका सही है, यहाँ से जो पूरा तार है यहाँ तक करंट आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ तक तो करंट आ रहा है दोस्तों, अब यहाँ तक आ रहा है कि नहीं, यहाँ तो नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ नहीं आ रहा, स्विच कहीं ऑफ होगा, तो ठीक है ऑन किया मैंने, चलिए दोस्तों ये आ गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ आ गया, तो एक तो सॉकेट में यहाँ पर ये वाला सॉकेट में इसमें आ गया करंट दोस्तों, ठीक है। अब इसमें से जो है दूसरा सॉकेट, देखिए दोस्तों ये अलग सॉकेट है, ये अलग सॉकेट है, ये अलग सॉकेट है, ठीक है, छः है, दो दो को अलग अलग है, तो ये तो इसमें आ गया दोस्तों, और इसका वायरिंग भी अच्छा मोटा पत्थर से किया हुआ है दोस्तों, ये काफ़ी हैवी भी है, यहाँ से आ गया दोस्तों, और यहाँ से फिर दूसरा यहाँ पर आ गया इस सॉकेट में, उसका तीसरा, ये तीसरा सॉकेट में आ गया, ठीक। उसके बाद ये दूसरा तार दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट आ गया है, यहाँ से फिर ये पहला सॉकेट में आया, फिर इसका जो है ये सॉकेट में आया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद डायरेक्ट इसमें आ गया, इसमें कुछ है भी नहीं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये एलईडी इंडिकेटर है, इंडिकेटर में दोस्तों बस यहाँ देखिए दो कनेक्शन है दोस्तों, ठीक है, एक इंडिकेटर में इसमें दे दिया है दोस्तों, इसमें इस पॉइंट में, ठीक। उसके बाद एक कनेक्शन दोस्तों बस ऑन जो करेगा तो बस यहाँ आ गया है ये वाला दोस्तों, इसमें भी अंदर में रेजिस्टेंस लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है। और दूसरा एक्सटेंशन बोर्ड के बारे में जानते हैं दोस्तों, देखिए दूसरा एक्सटेंशन बोर्ड में क्या है दोस्तों, ये जो है दोस्तों ये ख़राब है दोस्तों, इसमें क्या दिक्कत है वो देख लेते हैं। तो ये एक्सटेंशन बोर्ड में सबसे पहला दोस्तों, तो ये जो है बॉल का रेजिस्टेंस नहीं है दोस्तों, ये तो बॉल डायरेक्ट आ गया दोस्तों, एक में जो है रेजिस्टेंस लगेगा, कोई किसी में रेजिस्टेंस लगा दीजिएगा दोस्तों जल जाएगा। तो सबसे पहले तार चेक करते हैं दोस्तों, तार सही है क्या नहीं, तो आपका ये तार बता रहा है दोस्तों लाइट, ठीक है दोस्तों, देखिए ये तार बता रहा है, फिर इसमें देखते हैं दोस्तों, ये भी बता रहा है दोस्तों, तो तार तो सही है दोस्तों। अब ये यहाँ बता रहा है स्विचिंग हो रहा है कि नहीं, ये स्विचिंग नहीं हो रहा है, ऑफ होगा कहीं दोस्तों, ये देखिए आप ये स्विच जो है दोस्तों नहीं दबा रहा है, इसका मतलब स्विच खराब है दोस्तों। तो तार जो है दोस्तों, बस तार जो है दोस्तों, तार छील के ये दोनों में सोल्ड कर देंगे तो आराम से काम कर जाएगा दोस्तों, ठीक है। माना कि जैसे ये तार है, तार को छील दिए और इसमें भी शॉर्ट कर दिए, इसमें भी शॉर्ट कर दिए, तो काम आपका कर जाएगा। या नहीं तो दोस्तों ये भी कर सकते हैं, आपका ये तार को खोल के दोस्तों यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिएगा, इसको खोल के सोल्डिंग कर दीजिएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, स्विच से कोई आपको मतलब नहीं रहेगा। तो दोस्तों और देखिए दोस्तों, ये लाइट तो नहीं, एलईडी तो नहीं जलेगा, इसको डायरेक्ट तो नहीं जोड़ सकते हम, ठीक है। तो एक तो ये तार में आ गया दोस्तों, इसमें एक रेजिस्टेंस लगेगा, उसके बाद यहाँ लगा देंगे तो आपका काम कट जाएगा। इसका वायरिंग में देखिए दोस्तों, कुछ है वायरिंग में, वायरिंग देखिए, एक तार आया दोस्तों, ये एक तार इस सॉकेट में आया है, ठीक है। उसके बाद ये सॉकेट जो है ये वाला है दोस्तों, ये वाला है दोस्तों, ये सॉकेट अलग है, ये सॉकेट अलग है, ये सॉकेट अलग है, ये सॉकेट अलग है, ठीक है दोस्तों। तो एक तार यहाँ आया, फिर एक तार यहाँ आया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद एक तार डायरेक्ट यहाँ आया 3 पिन प्लग में, बस ये 2 पिन प्लग में आया सॉकेट में, सॉरी, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी बात देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक तार आया, इससे स्विचिंग हुआ, स्विचिंग होकर यहाँ आ गया, एक तो यहाँ तो आ ही गया था इसका लगातार, तो ये वाला तार देखिए दोस्तों, ये वाला तार यहाँ से आके इस पे आया, तो ठंडा गर्म तो मिल ही गया दोस्तों, फेज न्यूट्रल तो मिल ही गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो सॉकेट है दोस्तों, ये वाला सॉकेट से यहाँ आ गया,
ठीक है दोस्तों। तो इसको भी तो देखिए, एक तो न्यूट्रल मिल गया दोस्तों, इसको ये फेज भी मिल गया तो काम कर जाएगा। इसमें भी दोस्तों आप क्या किया दोस्तों, ये तो इसका तो फेज तो यहाँ पे है ही दोस्तों, इसका न्यूट्रल यहाँ पे दे दिया, ये भी काम कर जाएगा दोस्तों। अब यहाँ डायरेक्ट यहाँ दे दिया, यहाँ से यहाँ दे दिया, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, आराम से हो गया दोस्तों। अब देखिए एक्सटेंशन बोर्ड जैसे बड़ा है, इसमें भी क्या है दोस्तों, कुछ है दोस्तों। देखिए ये जो दोस्तों, एक में डायरेक्ट पूरा पत्थर दे दिया, एक इसमें दे दिया पत्थर, एक ये साइड में दे दिया है। तो दोस्तों ये वाला जो है दोस्तों, पूरा जो पत्थर लगा हुआ है, अब ये वाला दोस्तों, ये वाला पत्थर लगा हुआ है, देखिए दोस्तों देख रहे हैं, ये वाला दोस्तों, ये वाला पत्थर लगा हुआ है इस साइड से देख रहे हैं, और ये वाला पत्थर इस साइड से लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इसको तो फेज या न्यूट्रल तो मिल ही रहा है दोस्तों, एक पत्थर इधर से पूरा प्लेट बिछाया हुआ है, ये इधर से दोस्तों, ठीक है। आप देखिए दोस्तों क्या है, दो गो तारी मेन एसी का आया दोस्तों, एक स्विच में आया, ठीक, स्विच से निकला तो इधर पूरा वायरिंग हो गया, ठीक, एक तरफ का। उसके बाद दूसरा तार दोस्तों, इधर का पत्थर का, इधर का पूरा वायरिंग हो गया। देखिए दोस्तों ये एलईडी है, एलईडी तो डायरेक्ट एक में तो डायरेक्ट आ गया दोस्तों, और दूसरा में देखिए दोस्तों, इसमें एक रेजिस्टेंस है दोस्तों, यही रेजिस्टेंस, ठीक है दोस्तों। इसका देखिए ये 100 के है दोस्तों, अगर ये इसका 100 के से अगर कम होगा दोस्तों, तो आपका फ्यूज लाइट जो है फ्यूज भी हो सकता है, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा आएगा, रेजिस्टेंस का मान कम होगा तो वोल्टेज ज़्यादा आउटपुट होगा दोस्तों, तो आपका एलईडी भी खराब हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो है 100 के है रेजिस्टेंस, ये देखिए आपका ब्राउन, ब्लैक और येलो है दोस्तों। तो ये जो है कलर कोड अगर पढ़ेंगे आप या पढ़े होंगे, तो ये 100 के का मान आता है, ठीक है। इससे हम लोग समझ जाते हैं कि ये कितना मान का है, ये आपका इसका जो है हर चीज़ में काम आता है दोस्तों, मोबाइल से लेकर जो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स आता है, हर चीज़ में काम होता है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर और भी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों, तो हमें कमेंट जरूर करें दोस्तों, जहाँ तक होगा जरूर समस्या का आपका समाधान करेंगे।